हेलो, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है या उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई भी जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी मैथ में, सभी आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या क्या होगा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका से है जो कि एग्जाम में बहुत टाइम आपका बचा सकता है। दूसरा तरीका जो कि सभी जानते हैं, दूसरा तरीका क्या है, लोग क्या करने लगते हैं, 35 × 100/28। अब इसको कट करने लगते हैं। इसको काटेगा 7 × 28 और 25 × 100, 7 × 5 = 35। तो ये कितना हो गया, 25 × 5 = 125। टाइम तो कम लगा लेकिन फिर भी इससे भी आसान कम टाइम लगेगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है रेशियो वाला मेथड। ये हो गया, हमारा आंसर आ गया। दूसरा मेथड है, जैसे ये 28% का वैल्यू कितना है, 35। हमको कितना निकालना है, 100% का वैल्यू। ठीक, तो इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। ये 7 × 28 हो गया, काट दिए 4 से और 7 × 5 = 35। तो ये हमारे पास आ गया 4:5। अभी देखो ये 100 कितना टाइम्स में आ जाएगा, 25 × 100। हमको निकालना है 100 में, यानी ये जो है परसेंट में, यानी 100 में 28 का वैल्यू 35 है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 100 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो इसमें 25 से गुना कर दिए तो इसमें भी हम 25 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125। ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया, इसको एक बार नोट करेंगे। देखो, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इफ x^a × x^b × x^c = 1 देन a³ + b³ + c³, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, करना क्या है, कैसे निकालेंगे, कंडीशन तो ये दिया है। यहाँ पे देखो दिमाग में, जैसे ये इस टाइप का कंडीशन आ जाए, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आ जाए a³ b³ c³ और ये सभी एडिशन में हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधी लिख देंगे आंसर। आंसर इसका सीधा लिख देंगे 3abc, 3abc लिख देंगे इसको। अब क्यों लिखेंगे उस पे हम आगे बताएंगे, अभी ऐसा हम क्यों लिखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 3abc। मान लो यहीं पे अगर हमको दे दिया जाता x − a³, मतलब इसके बाद कंडीशन वही रहता, x − a³ + y − b³ + z − c³, और बोल देता इसका वैल्यू क्या होगा। इसका भी हम सेम इसी तरह लिखते हैं, ये इसको a हो गया, b हो गया, c। यहाँ पे लिख देते 3x − a × y − b × z − c, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, हमको इस पे दिमाग नहीं लगाना। जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर है इस टाइप का क्वेश्चन देगा आरआरबी एनटीपीसी में, रेलवे के एग्जाम में, तो कंडीशन कुछ भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर 3abc ये हो जाएगा। अब ये क्यों होगा एक बार इसको देख लो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा और ये क्यों होगा वो भी हम बता देते हैं। चलो अभी बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो कहीं पे। ठीक, फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ − 3ab c बराबर हो जाता है a+b+c✕a² + b² + c², इस टाइप का फॉर्मूला हो जाता है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक ये हो गया। यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अधूरा है। इसमें जो है एक कंडीशन होता है जो कि होता है ए प्लस, यहाँ पे दे देगा ऐसा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब यानी इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इस साइड पूरा 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम भी अगर पढ़े होंगे कहीं तो याद होगा। तो अगर ये हमारा 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर 0। अब ये माइनस 3 ए बी सी उस साइड अगर हम ले जाएं, इसको चलो उठा के लाते हैं ऊपर, यहाँ पे अगर हम लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ए बी सी, तो क्या हमारा वो ऑप्शन आया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3 ए बी सी आ गया, 3 ए बी सी। ठीक, यहाँ पे इस तरह से हम इसको, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब हमारे साथ कोई कंडीशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। तो अगर उसको अगर डीपली जाओगे, सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, तो यही आने वाला है अगर पावर क्यूब हो तो। और भी क्वेश्चन हम करवा देते हैं इससे रिलेटेड, तब तक इसको एक बार नोट करो और देखो समझो। ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, यदि x बराबर ए इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर बी इंटू सी माइनस ए और जेड बराबर सी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे देन एक्स बटा ए का होल क्यूब प्लस वाई बटा बी का होल क्यूब जेड बटा सी का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हमने पहले ही बताया हुआ है, जैसे ही हमारे पास कोई कंडीशन दिया हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है, इसका वैल्यू हमें सीधा रख देना है 3, इसका रखना है 3 इंटू एक्स बटा सॉरी, हाँ, यही होगा 3 इंटू एक्स बटा ए इंटू वाई बटा बी इंटू जेड बटा सी, ये हम ए बी सी इसके साथ लिख देते हैं, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 एक्स वाई जेड बटा ए बी सी। देखो इसको हम, ये हमारा आंसर आ गया, यही तुमको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट और मिस हो गया जो तभी हम बता रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हम कहाँ थे, हम जो बता रहे थे वो था ए क्यूब प्लस, थोड़ा पीछे चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ए बी सी, हमने ऐसा लिखा था। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे ए बी सी से, दोनों साइड ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा ए बी सी, तो ये पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम पूरा अगर डिवाइड करेंगे ए बी सी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा बी सी सी ए और ए सी आएगा, सॉरी ए बी आएगा, बी सी सी ए बी। ठीक, इससे सी सी कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बी। ठीक, तो इतना बराबर 3 आता है, ऐसा भी ध्यान में रखना है ये चीज। ये भी उसी फॉर्मूला को ड्राइव करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आंसर आता है।
कभी कभी दे देगा, जैसे सीधा कभी दे देगा इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, यहाँ तो ऐसा ही हो गया। यहाँ पे अगर दे देता एक्स बटा वाई जेड, वाई बटा एक्स जेड और जेड बटा, सॉरी इस तरह से दे देगा, हम लिख के बता देते हैं, इस तरह से दे देगा एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर 3 आता है, ये भी ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ये भी हमारा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको तब तक नोट कर लो। ये क्वेश्चन एक बार बना के देखो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 का क्यूब प्लस y माइनस x माइनस 1 का, सॉरी x माइनस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब y माइनस 3 का क्यूब z माइनस 3 का क्यूब क्या होगा इसका, इसको देखो। इसमें जो है कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने पहले बताया था ये x x y z है तो इसका पावर क्यूब है, तो हम क्या करते हैं इसको सीधा आंसर लिखते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक इस तरह से इंटू वाई माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3, यही हमारा आंसर हो गया। 3 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 3 और जेड माइनस 3, यही हमारा आंसर हो गया। अभी मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगर इसको उस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये लंबा जाएगा, फिर भी उसको शॉर्ट करेंगे, दोनों तरीका यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी है, यहाँ पे माइनस होगा, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब बी प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा इसका, ये निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैसे लिखते थे इसको, इसको हम लिख सकते हैं सीधा 3 ए प्लस बी माइनस सी इंटू ये आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी इंटू ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। ठीक, अभी हम इसको डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, मान लो तुम्हारे पास नीचे ऑप्शन दिया होगा 4, उसमें ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तब क्या करोगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी a प्लस बी बराबर माइनस सी, और फिर लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर माइनस सी, यहाँ पे c प्लस a बराबर माइनस बी, और यहाँ पे b प्लस सी बराबर माइनस ए, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको और शॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू इसका वैल्यू क्या है, माइनस सी फिर माइनस सी, तो 2 माइनस सी हो गया, तो इसको हम एक ही बार लिख देते हैं, यानी -2c। ठीक, यहाँ भी हो जाएगा c प्लस a माइनस बी के बराबर, तो एक माइनस बी ये हो गया, एक ये, तो ये हो गया -2b। यहाँ भी इसका देखो b प्लस सी बराबर माइनस ए, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस ए, तो यहाँ पे हो गया -2a। ठीक, अभी ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, तो हमें माइनस ही होगा। साइन का बहुत ध्यान रखना है, ये साइन मिस्टेक हो गया मतलब सब कुछ खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया
चौबीस, चौबीस आ गया, और चौबीस ए बी सी, ए बी सी, तो ये चौबीस ए बी सी यही आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन में रहता है कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो वो ऑटोमेटिक बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। नहीं तो अभी यहाँ पे क्या करते तुम, एस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने में लग जाते, फॉर्मूला लगाने में लग जाते, फिर उसको कट करते, फिर सॉल्व करते। ठीक, अभी देखो यहाँ पे कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये सभी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और अदर एग्जाम में, मतलब रेलवे का ही अदर एग्जाम में पूछा हुआ सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करवाते हैं। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, मुझे उम्मीद है 80-90% मैथ में अटेम्प्ट करके आओगे, अगर सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो भी करवाया जा रहा है उसको करते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत होता है, नीचे कमेंट करो, हम फिर से समझाएंगे। और एक चीज़, अगर किन्हीं को लगता है कि हाँ मैं वीडियो बहुत, मतलब आपके लिए हमने जो बताया वो बहुत ही लाभदायक रहा, तो नीचे दिया हुआ है UPI ID, वहाँ से ट्यूशन फी के रूप में अपना कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर किन्हीं को ट्यूशन फी देना है तो वहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।